क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ पर सारी ट्रेन विंड मिल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। असल में पूरी दुनिया में मुश्किल से ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल ना किया जाता हो। जहाँ कुछ कंट्रीज में इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलती है, तो वहीं कुछ कंट्रीज में अभी भी नॉर्मल ट्रेन ही चलती है। पर नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सारी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से तो चलती है, पर इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारी इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से ही प्रोड्यूस होती है। दरअसल नीदरलैंड में विंड मिल से एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि उस एनर्जी से एक पैसेंजर ट्रेन 5500 ट्रिप आसानी से करा सकती है। यहाँ पर लगे हुए हर एक विंडमिल से एक घंटे में इतनी एनर्जी बन जाती है कि वो एक ट्रेन को 120 किलोमीटर पर आर की रफ्तार तक आराम से पहुँचा सकता है। नीदरलैंड में रोज लगभग 6 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं और वो सारी ट्रेन विंडमिल से प्रोड्यूस हुई एनर्जी पर ही चलती है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है या नहीं।